सीरियल अनुपमा में आ चुका है एक नया ही तूफान, जहां पर वनराज करेगा एक घटिया चाल का आगाज। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि अनुज अनुपमा को काफी कुछ कहते नजर आता है शॉप के बाहर और कहता है कि तुम्हारे सामने और मिडिल क्लास हर की मिडिल क्लास लड़की के सामने हर अंगूठी हर हीरा जवाहरात सब सस्ते हैं क्योंकि तुम्हारा कोई मोल नहीं लगा सकता और तुम्हारा सेक्रीफाइस ये सब कुछ और वो उसका हाथ मांगता है तो उस पर निशान बना हुआ होता है जिसे देखकर वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है। लेकिन उसे फिर से वो अनुज उसे कंफर्टेबल करते नजर आता है कि मुझे पता है कि हर किसी रिश्ते को या फिर हर पास्ट को काट कर अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन मेरे लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी ज़िंदगी में पता नहीं कितने लोग आए कितने चले गए, लेकिन क्या तुम उसके बारे में बात करोगी या मैं उसके बारे में बात करूँगा। और फिर उसके बाद में दोनों अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें रिंग के साथ में दोनों एक दूसरे के रिंग सेलेक्ट करते हैं और साथ में ही कुछ फ्री चीज़ें भी मिलती है जिसे देखकर अनुपमा काफ़ी खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि बा बार बार कॉल कर रही होती है अपनी माँ को कि और वो कल तक यानी सगाई में ही संग्राम होने वाला है और होने वाली है अब वनराज की नानी की एंट्री। तो दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि अनुपमा आते ही सबको अपनी अंगूठी के बारे में बताती है और फ्री बैग वगैरह सब कुछ मिला है उसे देखकर भी काफ़ी खुश हो जाती है और फोटो उसके मोबाइल में फोटो होती है वो दिखाती है जिसे देखकर बा कहती क्या हीरे की अंगूठी असली हीरा है जिसके बाद ये कहते सॉलिटेयर यानी सबसे महंगा हीरा उसने सेलेक्ट किया और अनुपमा जाती है कि इतनी महंगी रिंग उसने सेलेक्ट कर ली। किंजल तारीफ करते नजर आती है अनुज की और साथ में ही सब लोग तैयारियां कर कि कौन कौन क्या क्या तैयारी करेगा इसके बारे में बात करते हैं। और किंजल ये भी कह देती है कि आज की शाम तो सच में उन्होंने बहुत ही प्यारी यादें दी हैं और असली हीरा तो अनुज है और ये सब कुछ उन्होंने वनराज को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। तो दूसरी तरफ अनुज और अनुपमा तो कल के सपने देखते नजर आते हैं और एक नई शुरुआत के लिए वो काफी एक्साइटेड है। सुबह उठते ही अनुज को लगता है वो बहुत ज्यादा लेट हो चुका है और उसका मजाक बनाते नजर आते हैं देविका काका और मालवी का और वो मंदिर मिलने के लिए जा रहा है अनुपमा से और अनुपमा भी प्रार्थना करते नजर आती है कि आज एक नई शुरुआत है और आज सगाई है और वनराज के उसके पीछे पीछे पहुंचता है और उसे बुरी तरह से डरा देता है और कहता है कि तो मर्द हमेशा मर्द ही रहते हैं शादी के बाद अनुज भी बदल जाएगा मैंने दो शादियां की है मैं तो कभी कुछ नहीं रह पाया और तुम भी कुछ नहीं रह पाओगी। और वो यहां पर अनुज उन दोनों को साथ में देखकर उसे पता होता है कि वनराज ने अगर कुछ गड़बड़ की तो वनराज को छोड़ेगा नहीं और अनुपमा को वनराज डराने की कोशिश करेगा लेकिन अब अनुपमा भी डरेगी नहीं। तो दूसरी तरफ सगाई में नानी जी की एंट्री होगी जो कि एक नया तूफान लेकर आएगी।